हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली अपडेट आ रही है तला अंजुम की तरफ से। तो दोस्तों तला अंजुम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू तला अंजुम। तो अगली अपडेट आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि डिवाइन का एक ट्रैक आने वाला है, तो वो ट्रैक आउट हो चुका है और गाने का नेम है सलाम। और जैसे कि ये होने वाला था फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, तो वैसा ही ट्रैक है, ट्रिब्यूट दिया उन लोगों को और बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। पर फर्स्ट वर्स मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कमज़ोर है, पर सेकंड वाला बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों ने अभी तक ये गाना नहीं सुना है तो जाके सुन सकते हो, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को ये गाना कैसा लगा है। तो अगली अपडेट आ रही है सिकंदर कालो की तरफ से। तो दोस्तों सिकंदर कालो का एक न्यू ट्रैक आने वाला है जो कि होगा KKG प्रेजेंट्स और गाने का नेम है OG और इसका म्यूज़िक दिया है हाम साधु ने। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हो, जब भी इसके बारे में कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है रागा की तरफ से। तो दोस्तों रागा ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली है जो कि है मुंह फाड़ के लिए। तो मैं आप लोग को पहले स्टोरी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रागा ने उनके एक फ्रेंड को टैग करा है और नीचे लिखा है, आपके इलाके में एक रैपर है, अपने घर पर बुलाता है, इसकी जी फाड़ दूँ। और जिस भाई को स्टोरी में टैग करा गया है, अगर आप उनकी प्रोफाइल देखोगे तो उनका जो एड्रेस है वो हरी नगर का है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है और आप लोग का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, ये भी ज़रूर बताना। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है चैन के और तला अंजुम की तरफ से। तला अंजुम ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली और कुछ ऐसा लिखा, क्यू मोबाइल इज़ मेड इन पाकिस्तान, वन ऑफ द रीज़न यंगस्टनर इज़ प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, सम चाइनीज़ माइट क्लेम इट्स मेड इन चाइना बट इट्स नॉट फक दैट पर्टिकुलर चाइनीज़। तो इसके बाद से चैन के ने भी एक स्टोरी डाली और विकीपीडिया दिखा दिया क्यू मोबाइल्स का। तो आप लोग हाईलाइटेड पार्ट देख सकते हो, क्यू मोबाइल इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, फोन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द वेंडर्स इन चाइना एंड सोल्ड अंडर इट्स ओन ब्रांड। और ऊपर भी आप लोग देख सकते हो कुछ लिखा है चैन के ने, क्यू मोबाइल के फोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, अपने लोगों को कौन झूठ बोलता है यार, थोड़ी बहुत जो इज्जत रह गई थी वो भी खत्म, यू लॉस्ट योर ट्रैक माई बॉय। सो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को पूरी स्टोरी बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि चैन के को हमेशा यंगस्टनर्स चाइनीज कहते रहते हैं, पर कुछ दिनों पहले, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं मालूम है, यंगस्टनर्स ने क्यू मोबाइल का कुछ ऐड शायद करा था। सो उसी चीज़ को लेकर चैन के ने अपने गाने में कही कि तुम मुझे चाइनीज कहते रहते हो पर खुद तुम चाइनीज को प्रमोट करते हो। सो उसके बाद से तला अंजुम ने स्टोरी डाली और ये कहा कि क्यू मोबाइल मेड इन पाकिस्तान है। तो उसी चीज़ को करेक्ट करते हुए चैन के ने विकीपीडिया दिखा दिया क्यू मोबाइल्स का। सो आप लोग का इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और यहाँ पे मुझे तला अंजुम गलत लग रहा है, बिकॉज आप लोग को भी मालूम है कि चाइना के बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जो कि रीब्रांडिंग करके दूसरी कंट्रीज़ में सेल होते हैं और उसी टाइप का शायद ये क्यू मोबाइल भी है। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है मुँह फाड़ की तरफ से। तो दोस्तों मुँह फाड़ का डिस्ट्रैक आउट हो चुका है और आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, गाने का नेम है भूत बनेगा। और मुझे कैसा लगा ये गाना मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और अभी तो फिलहाल इसके मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आया है, बहुतों को नहीं। अब जिनको नहीं पसंद आया वो कृष्णा के साइड वाले हैं और जिनको पसंद आया वो मुँह फाड़ के साइड के हैं, और जो आर्ट को पसंद करता है वो अभी भी न्यूट्रल है, उनको अच्छा लगा है गाना, आर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आर्टिस्ट की तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो कि सही भी है। फाइनल चीज़ यह है कि गाना मुझे पसंद आया है। अब हर गाने में फैक्ट्स ढूंढोगे कि मतलब हर चार बार उसको छोड़ के एक फैक्ट होना ही चाहिए, तो भाई वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ब्रूटैलिटी है गाने में और काफ़ी तगड़ी है, तो जाओ सुनो, उसके लिए सुन सकते हो। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को ये गाना कैसा लगा है। तो मैंने आप लोग को अपना पर्सनल ओपिनियन बता दिया है कि मुझे ये गाना कैसा लगा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी एग्री करो इस चीज़ से, आप लोग को जैसा लगा है वो चीज़ मुझे बता सकते हो, बस अब्यूज़ कम करो कमेंट सेक्शन में, बस यही कहूँगा। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ कि इस गाने में कुछ यूट्यूबर्स का भी जिक्र हुआ है, जैसे कि अफेक भाई और रोहन का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार कि यूट्यूबर्स को भी इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, और इस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च भी करी है। सो मुँह फाड़ ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गाने में कलमकार के, और उसमें ये कहा है कि कोई पार्टनर नहीं है कृष्णा कलमकार का, यहाँ पे सिर्फ दो नाम रजिस्टर्ड है, अंकित खन्ना और दिलिन नायर। तो यहाँ पे बात खत्म ही हो गई थी एक तरीके से, पर उसके बाद से कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम में Q&A रखा और उस Q&A में एक बंदे ने उनसे पूछा, आर यू अ मेंबर और अ पार्टनर इन अ कलमकार, और उसका रिप्लाई दिया कृष्णा ने, पार्टनर फॉर 2 ईयर्स नाउ, चेक हाउ लॉन्ग कलमकार हैज बीन अराउंड एंड देन चेक द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन द MCA डॉक्यूमेंट गोइंग अराउंड। सो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि वो 2 साल से कलमकार के पार्टनर है, और आप लोग भी जानते हो कि कलमकार कितने समय से चल रही है, और अभी जो MCA डॉक्यूमेंट घूम रहा है हर जगह पे, उसमें अगर आप लोग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक करोगे
तो वो जो डेट है वो 2020 की डली हुई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि लीगली जब से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। सो यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हो February 13, 2020, मतलब अभी 2 महीने ही हुए कलमकार को रजिस्टर्ड हुए हुए, मतलब लीगली 2 महीने से ही कंपनी चल रही है। इससे पहले से मतलब रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी पता नहीं, पर अगर कलमकार के नाम से देखा जाए कलमकार म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, तो इस नाम से 2 महीने ही हुए कंपनी को। और आप लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कलमकार कब से चल रही है। तो इसके बाद से कृष्णा का ये कहना है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी डली हुई है और पार्टनर वो बहुत पहले से है कलमकार के। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ये जो नीचे 2 ओनर्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें दिलीन नायर और अंकित खन्ना का ही नाम है, और अगर पार्टनर होते कृष्णा तो उनका भी नाम होता इसमें। सो यहाँ पे मैं आप लोग को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी भी पार्टनर हो सकता है कृष्णा इस फर्म के, जो कि ये कलमकार। पेड अप कैपिटल इज क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी सेल्स इट शेयर्स ऑन द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। सो पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी जब उसके शेयर्स सेल करती है प्राइमरी मार्केट में तो उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। और आप लोग पेड अप कैपिटल देख सकते हो 1 लाख का पेड अप कैपिटल है। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा वरना आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे और मेरे को भी बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। सो अब मेरा पॉइंट ये है कि पेड अप कैपिटल में कृष्णा ने इन्वेस्ट करा होगा। अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप किसी भी कंपनी का 1 शेयर भी बाय करते हो तो आप उसके ओनर कहलाते हो। तो इससे देखा जाए तो एक तरीके से पार्टनर हुए कृष्णा, पर अगर लीगली कहा जाए कि पेपर वर्क में अगर नाम आए कृष्णा का तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पार्ट हो उस कंपनी के, आप उसके ओनर हो एक तरीके से, आप डिसीजन लेने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक और बार देखो अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर ये चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई है अगर ये चीज़ नहीं है, पेड अप कैपिटल में अगर कृष्णा ने इन्वेस्ट नहीं कराया और दूसरी तरीके से वो बोल रहे हैं कि वो पार्टनर है कलमकार के, तो अब वही बता सकते कि वो किस तरीके से पार्टनर है। बाकी जो मुझे लगा वो मैंने आप लोग को बता दिया। सो इतनी जो मैंने रिसर्च करी है उसके लिए 1 लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दो यार वीडियो को। और ये चीज़ें जो मुझे पता चली है ये एक साइट से पता चली है, और शायद मूफार ने भी जो पेपर्स निकाले हैं कलमकार के वो इसी साइट से निकाले हैं जो कि पेड है। सो फाइनल चीज़ अगर मुझे कहनी होगी कि कृष्णा पार्टनर है या फिर नहीं, तो मैं यही कहूँगा अगर कृष्णा ने कलमकार के शेयर्स खरीदे हैं तो वो कलमकार के पार्टनर है। और एक और चीज़ है LLC करके, तो उसमें अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो जैसे ही वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है तो आगे की वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वो चीज़ भी क्लियर कर दूँ। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो कि हिप हॉप के बारे में अपडेट्स देते हैं, लिरिक्स ब्रेकडाउन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन कर रहे हैं, पर इस चीज़ के ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। मैंने ही कर दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर अगर हो सके तो थोड़ी बहुत और रिसर्च करो और जो एक्यूरेट चीज़ें हैं एकदम सही है वो चीज़ लोगों के सामने लाओ। लिरिक्स ब्रेकडाउन तो हो जाएंगे यार, कोई ना कोई कर देगा, बाकी इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, ज़रूरी चीज़ है, बताना ज़रूरी यार कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कृष्णा ने Q&A रखा था अपने इंस्टाग्राम में, और उस Q&A में बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने क्लियर करी है, जैसे कि ये वाली थी जिसके ऊपर मैंने इतनी सारी रिसर्च कर दी, तो उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई है। सो सबसे पहले नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट को लेके कृष्णा का क्या कहना है, फोकसिंग ऑन द एल्बम, अभी इस जोन से निकला हूँ, वापस मत खींचो। तो इससे पता चलता है कि कुछ टाइम तक डिस्ट्रैक्ट नहीं आएगा कृष्णा का, पर अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते बिकॉज वो कृष्णा यार, क्या पता कल सुबह सरप्राइज डिस्ट्रैक्ट आ जाए, तो भरोसा नहीं कर सकते। सो इसके बाद से एक बंदे ने उनसे पूछा बादशाह के साथ कोलैब के बारे में, तो उन्होंने रिप्लाई करा है भाई को कुछ टाइम में भेजूंगा कुछ जो शायद अच्छा लगेगा, तो देखते हैं इन फ्यूचर आप लोग को बादशाह और कृष्णा का कोलैबोरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद से एक बंदे ने पूछा भाई शादी कब कर रहे हो आप, रिप्लाई कर देना प्लीज़। तो इसका रिप्लाई दिया है कृष्णा ने, रिश्ते भिजवा दो पर शायद पहुंचे ना उस गलत एड्रेस पे। तो यहाँ पे बात हो रही है मूफाड़ के गाने में जो एड्रेस उन्होंने बताया है सच टू मच के बाद, जो एक DLF करके कुछ बताया उन्होंने, वो कृष्णा का एड्रेस है शायद, ये चीज़ शायद मूफाड़ कह रहे हैं उनके गाने में, पर यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि वो गलत एड्रेस है। तो आप लोग को क्या लगता है मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। सो इसके बाद से एक बंदे ने पूछा वूज ऑन योर किल लिस्ट नाउ, सो उसका रिप्लाई दिया कृष्णा ने लॉल आई हैव डन इनफ किलिंग फॉर नाउ, अभी चिल टाइम लेने दो थोड़ा। तो मूफाड़ ने जो उनके गाने में 2 नाम लिए हैं अभिनव और विनीता, उसके बारे में कृष्णा ने कुछ कहा है, आई डोंट हैव रियल ब्रदर सिस्टर्स, वो मेरे पेरेंट्स का नाम नहीं है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि वो इनके पेरेंट्स का नाम भी नहीं है और सिंगल चाइल्ड है कृष्णा। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है तो पहला गाना जो है उसका नाम है बुलाती है पर, एक्सप्लिसिट बाय हेडशॉट संग M96।
तो अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा है, इसके अलावा वर्स अच्छे हैं, पर कमी जो है वो हुक में लग रही है, बिकॉज जो टाइटल है गाने का उससे हुक मैच नहीं कर रहा है। पूरा गाना जो है उसका टॉपिक अच्छा है पर जो टाइटल है उससे काफ़ी अलग है। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।